सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, फाइनली यार दिन आ गया है Realme 3 Pro को अनबॉक्स करने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन था। सो आज करते हैं फाइनली अनबॉक्स Realme 3 Pro को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका बॉक्स। काफ़ी मिनिमल है, Realme की अप्रोच मिनिमल है इनकी तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सही मिलता है बॉक्स। सामने Realme 3 Pro लिखा हुआ है और येलो कलर के आपको पीछे से सब कुछ दिख जाता है, लेकिन मेरा जो बॉक्स है उसमें कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है। तो जैसे ही आप लोग इस बॉक्स की लिड ओपन करते हो, आपको देखने को मिल जाएगी एक कंपार्टमेंट। एंड उसी कंपार्टमेंट में रखा हुआ है इसका सिलिकन केस फ़ोन का और थोड़ी बहुत बुकलेट्स। और अगर नीचे चलें तो भैया हमारा फ़ोन है पैक्ड इन अ पन्नी वाओ। और इसे हम रखते हैं साइड में। तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो अब मिलती है वो है इसके अंदर आप लोगों को वूक चार्ज। यस, वूक चार्ज आ गया है यार फाइनली। तो भाई ये रहा वूक चार्जिंग की ब्रिक, जो कि भाई सच में फ़ोन को तेज़ी से चार्ज करती है। और साथ में आपके माइक्रो यूएसबी केबल रखी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पावर भेजनी है तो भाई थोड़ी तार भी ऐसे हट्टी कट्टी होनी चाहिए ना, सुकड़ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो वूक चार्जर है वो यार मेरे बिल्कुल डैश चार्जर का ही मेरे को तो रेप्लिकेट लगा, जो वन प्लस में यूज़ होता है। और जो केबल है वो भी वैसी कुछ लग रही थी। तो यार हाँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ प्रीमियम चीज़ है, जो कि इस बजट के अंदर हमें मिल रही है। तो मैं यही बोलूँगा हैट्स ऑफ टू रियलमी की, उन्होंने ये किया। और अब बात करते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो भाई फ़ोन की पहले पन्नी उतार लेते हैं फटाफट से। और ये रहा आपको पहला लुक इस फ़ोन का। यार दिखने में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, काफ़ी लोग अब सोच रहे होंगे कि यार ये फ़ोन तो बिल्कुल Realme 3 जैसा ही है, इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है, Realme 3 Pro नाम है इसका, क्या है ऐसा। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि करे हैं Realme ने, जो कि बहुत सटल हैं, लेकिन जब उसे आप लोग महसूस होंगे, जब आपको दिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार Realme ने कुछ अच्छा किया है। तो अगर इसे मैं कंपेयर करूँ Realme 3 से, तो Realme 3 की जो बैक थी वो बिल्कुल मोल्डेड थी और बिल्कुल राउंडेड थी, लेकिन Realme 3 Pro की बैक उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग को थोड़े एजेस के अंदर कर्व नहीं देखने को मिलता उतना जितना Realme 3 में था। यहाँ पे थोड़ी एजेस जो शार्प हैं और साथ ही साथ जो कटआउट है यहाँ पे एजेस का वो लगाया गया है, ताकि इसको एक सैंडविच वाला फील दे सके। और इसके अंदर आपको तीन कलर वेरियंट मिलते हैं। तो मेरे पास लाइटनिंग पर्पल है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक चीज़ और जो बढ़िया मिलती है वो इसकी डिस्प्ले। यार 6.3 इंच की 2340x1080p की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले है ना यार, जब मैंने इसको फ़ोन को लाइक बॉक्स से बाहर निकाला तो मैंने जो पहले इंप्रेशन था जब मैंने डिस्प्ले देखी, मेरे को लगा सुपर एमोलेड दे दी, मज़ा ही आ गया। बट एक्चुअली में सुपर एमोलेड नहीं, इसमें IPS है। लेकिन जो यार इसके लाइक ब्लैक्स है ना, जो फ़ोन लाइक डिस्प्ले जो प्रोड्यूस करती है ब्लैक्स, वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो मुझे इसलिए लगा था कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। बट इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है ना वो 400 निट्स तक की है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ही हो जाती है। मैंने इसे आउटडोर यूज़ कराया, मैंने इसे इनडोर यूज़ कराया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और सच बताओ तो जो इसका ऑटो ब्राइटनेस वाला सेंसर है ना यार, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जो डिस्प्ले यार वो आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ही देखने को मिलती है, और उसके ऊपर लगाया गया है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5, तो प्रोटेक्शन वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा टफ ही रहने वाला है। और यहाँ पे यार मेरे पास जो मॉडल है ये 6GB+128GB वाला। इसके अंदर आप लोगों को दो और वेरियंट मिल जाते हैं, जो कि बेस के साथ स्टार्ट होता है 4GB+64GB, और एक होता है 6GB+64GB, मतलब 664 और 464 वाले वेरियंट भी अवेलेबल हैं। तो भाई स्टोरेज की बात करो तो भाई बिल्कुल 128 वाला तो बिल्कुल ऐसा बीस्ट सा है, और जो स्टोरेज की मैं कह सकता हूँ स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब यार बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ की, जो कि है इसके ऑब्वियसली कैमराज। और भाई कैमराज की बात ना करो तो भाई पूरा पूरा माहौल जो है फीका सा रह जाता है। तो यहाँ पे जो रियर के अंदर है ड्यूल कैमरास का आप लोगों को मिश्रण देखने को मिलता है। तो जो मेन कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। और जो 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है उसके अंदर है IMX का 519 सेंसर, और लिटरली यार ये जो फोटोज़ आप लोगों को कैप्चर करके देता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स फोटोज़ के,
मेरे को तो यार जो फोटोज हैं इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जो डिटेलिंग है, जो ओवरऑल फोटोज़ का HDR मोड है, शेडोज हो गई, हाईलाइट्स हो गई, ओवरऑल काफ़ी सही है। और आप यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो बिकॉज इस फोन के अंदर कैमरा टू API अनेबल्ड है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो कि इसका फ्रंट कैमरा, और भाई वो तो और भी ज़्यादा तबाही है, मतलब 25 MP का कैमरा आप लोग को मिल जाता है जो कि आप लोग को बिल्कुल ऐसे लाली पाउडर वाला बना देगा और ऐसे बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा गर्मियों के अंदर पॉन्ड्स क्रीम का मज़ा। अच्छा हाँ, तो मतलब 25 MP जो कैमरा है यार वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को मैं कह सकता हूँ डिटेल्ड वाली सेल्फीज क्लिक करके देता है। और मैंने इसका जो यार कैमरा एप्लीकेशन है डिफ़ॉल्ट वाली, उससे इतनी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ कैप्चर मेरे को तो नहीं लगा हुई, लेकिन अगर आप लोग गूगल कैमरा से क्लिक करते हो वही फोटोज़ तो उसका जो एक्सपीरियंस है यार होल लॉट डिफरेंट है। तो मैं यही बोलूँगा अगर आप ये फ़ोन लेना लेने की सोच रहे हो बेसिकली, और भाई गूगल कैमरा तो एक बार आप इंस्टॉल करके देखना, मस्ट हैव है यार वो चीज़ तो इसके लिए। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे हम यार मैं बात कर लेता हूँ वूक चार्जर की, तो भाई वूक चार्जर जो है आपको माइक्रो USB की सपोर्ट के साथ आता है। अब काफ़ी लोगों के यार ये बहुत से क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग साइड में रखते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि माइक्रो USB है, USB टाइप सी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बाद में। बट ये जो चार्जर यार ये सच में इतना फास्ट है ना, मैं आप लोग क्या बताऊँ, मतलब इस फ़ोन को प्राइस देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार देख रहा हूँ फास्ट चार्जर, इस जस्ट कि इस प्राइस के अंदर इन द बॉक्स हमें ये चीज़ मिल रही है वो अलग है। तो भाई देखो जो चार्जर है वो 5 volts 4 ampere सपोर्ट करता है, और भाई जो स्पीड्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आती है। अब मैंने यार से 0 to 100 नहीं चार्ज करके देखा, बट मैंने से लाइक 20 to 90 चार्ज करा था, एंड वो लगभग मुझे जितना याद है वो 35 मिनट्स में हो गया था। और आधे घंटे में यार इतना भी होना बहुत बड़ी बात है, आधे घंटे से मेरे को लगता है 35 या 40 मिनट में हो गया था। तो आई गेस ये सही स्पीड्स है, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग क्या लगता है। बाय द वे इस फ़ोन के अंदर अभी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और जो भी सब चीज़ें हैं वो सब बढ़िया ही हैं। और साथ जो कार्ड की ट्रे है उधर आप लोग ड्यूल नैनो सिम भी लगा सकते हो, और साथ साथ माइक्रो SD, तो मतलब ट्रिपल स्लॉट दिया है। तो भाई यहाँ पे रियलमी जो है कंजूस ही नहीं करता यार इन सब चीज़ों के अंदर, रियलमी ये सही चीज़ें डालता है भाई, क्योंकि जो हमने एक चीज़ देखी है इंडिया के अंदर लोग ड्यूल सिम भी यूज़ करते हैं 4G के लिए, और भाई साथ साथ इस फ़ोन के अंदर हम लोग माइक्रो SD भी यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ का यहाँ पे आप लोग को लुफ्त मिल ही जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और साथ साथ इस फ़ोन को जो पावर कर रहा है यार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो मैंने टॉपिक बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ा है। तो स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, और ये बिल्कुल टॉप बिल्कुल बढ़िया वाला प्रोसेसर है, कोई ऐसे अंडरक्लॉक्ड वाला नहीं है भाई, जिसके लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे अंडरक्लॉक्ड नहीं है, तो सही बात है। साथ साथ जो एड्रिनो का 616 GPU है यार वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप इसमें अगर PUBG खेलो वो बढ़िया चलेगी, इसमें आप GTA San Andreas खेलो वो बढ़िया चलेगी, एसफॉल्ट खेलो वो बढ़िया चलेगी, अब जितनी भी नई गेम्स आ रही हैं वो सारे टाइटल इसके अंदर काफ़ी बढ़िया चलने वाले हैं। अब यहाँ पे भाई देखो अगर प्राइम एग्जांपल लूँ जो कि काफ़ी लोग खेलते हैं वो है भाई PUBG का, तो PUBG जो है इसके अंदर HD सेटिंग्स के अंदर इतनी भयंकर चलती है, बिल्कुल मज़ेदार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बातचीत आप लोगों को नहीं इससे मिलने वाली। और यहाँ पे एक और चीज़ यार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इस फ़ोन को लेने वाले हो तो भाई ये फ़ोन हीट बिल्कुल नहीं होता, जितना मैंने अभी तक टेस्ट करा है इसी के राइवल कंपनीज के जो फ़ोन है वो यार हीट हो जाते हैं इसी, मैंने क्योंकि लाइक अपने मेरे को पता है मैंने यूज़ करे मुझे पता है, लेकिन ये जो फ़ोन है यार वो हीट नहीं होता उतनी उस चीज़ पे। तो ये फ़ोन की मैं कहूँगा अच्छी बात है, बैटरी जो है 4000 mAh की, तो भाई मज़ा ही आता है, एक तो बैटरी सही है मेरे हिसाब से डिसेंट है, लेकिन जो वूक चार्जर है यार वो और ज़्यादा बढ़िया है, तो मतलब भाई दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो उस हिसाब से भाई दोनों साइड से हम लोगों को थम्स अप ही है। ओवरऑल यार मैं मेरा जो कंक्लूजन है अभी तक, ये एक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने इसे काफ़ी फ़ोनों से कंपेयर करा है, जो मेरे को फ़ोन ये पसंद आया वो इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइस है और जो हमारे को मिल रहा है जिस चीज़ के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब प्राइस यार मेरे को अभी पता नहीं है, बट जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो आप लोग को प्राइस पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या प्राइस है, बट मुझे पता है अच्छा ही होने वाला है, अगर अच्छा नहीं हुआ दिक्कत रहेगी, बट हाँ चलो ओके। तो भाई यही थी आज की आप लोगों अनबॉक्सिंग वाली वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों को वापस अपने डेस्क पे। यो सो भाई सुबह के 4:05 हो गए हैं, और भाई ये जो वीडियो है Realme 3 Pro से ही शूट हो रही है फ्रंट कैमरा से, तो उसका भी एग्जांपल मिल जाएगा। और इस वीडियो का यार मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग ही कर रहा था मैं, तो भाई यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई यार लाइक कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर दो क्योंकि थोड़ी वीडियो अलग थी, और अगर पसंद आई यार सपोर्ट जरूर करना, नीचे कॉमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी किसी के वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।